मित्रों जय श्री राम। आज मैं यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ के बीएड एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के आया हूँ। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आपने देखा, बीएड की एडमिशन कैसे कराई थी, प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको दिखा दिया, सब डाउनलोड करके दिया था, लिंक भी दिया था। इस वीडियो के लिंक में भी मैं बीएड की पुरानी वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो भी आप लोग देख लेना। तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं महाराष्ट्र के वेरियस सेंटर्स पर, देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल इंस्ट्रक्शन, बता दूं मंडे को सुबह 10 बजे से चालू है, शाम 6 बजे तक चलेगा। कुछ बच्चों की लिस्ट दी गई, जिसको नहीं पता ये वीडियो फॉरवर्ड करके बता दीजिए, और जिनको पता है वो कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या करेंगे, यहीं से आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसी लिंक पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, YCMO की जनरल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, ये होम पर क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ शुरुआत से, कैसे आपको क्लिक करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। होम पर क्लिक करिए, होम पर क्लिक करेंगे आप तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा तो नीचे से फर्स्ट सेकंड लिंक क्या लिखा रहेगा, क्लिक हियर फॉर एडमिशन टू बीएड फॉर एकेडमिक ईयर 2018-20, शैक्षणिक वर्ष 2018-20 60 बीएड शिक्षण क्रम प्रवेश साठी थे, क्लिक करा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कहाँ पर क्लिक करना है मित्रों, मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं नीचे से सेकेंड और ऊपर से कितनी है, 1 2 3 4 5। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप एक नई विंडो पर आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी के एक नए पेज पर, जहाँ की बीएड के जुड़े हुए आपको लिंक्स मिल जाएंगे। जब उस लिंक पर आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज आ जाएगा, सुस्वागतम का होम पेज आ जाएगा। अभी आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सबने अपना एडमिशन फॉर्म भर दिया है। अब आपको क्या करना है, शेड्यूल्स डाउनलोड करना है, देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ये जो है ऊपर से तीसरी लिंक, होम के बाद तीसरी लिंक, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, कुछ कमी है, जैसे आपकी कोई कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई और सर्टिफिकेट है, और फिर किस जगह पर होगा, मुंबई में कहाँ है, पालघर में कहाँ है, थाने में कहाँ है, पनवेल में कहाँ है, पुणे में कहाँ है, नासिक में कहाँ, सारी डिटेल यहाँ आपको मिलेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या जानकारी कैसे कैसे करना है, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लो कौन कौन से स्टूडेंट हैं, उनका क्या है, समझो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, उसको क्लिक करेंगे तो ये कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। कौन कौन से जिला, अकोला है, अमरावती है, बुलढाणा है, यवतमाल, सब जगह हैं, धुले, जलगांव, सांगली, हिंगोली, इस पे आपको आप जिस सेंटर से वहाँ क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। मैं पुणे की आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, डाउनलोड कर लिए, ठाणे का देख लो, ठीक है, पुणे का मेरे पास डाउनलोड है, मैं दिखा देता हूँ। और अब चलते हैं नासिक डिस्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड लिस्ट ऑफ, नासिक का अलग है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का अलग है, तो मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का दिखा देता हूँ, नासिक वाले नासिक का देख लेंगे, नासिक के तो घर की यूनिवर्सिटी है, क्या लेना आपका, क्या टेंशन, हाँ आपके घर तो घर के बाजू में। चल क्या क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस 6 जुलाई को जो अपलोड किया गया है वो देख लीजिए, उसके बाद है शेड्यूल क्या है, मेंटर सर्टिफिकेट क्या है, मेथड फॉर्म क्या है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है और परिनिष्ठा क्या, ये सब आप क्लिक कर करके देख लीजिए। अगर इतना मैं बताऊँगा तो वीडियो बढ़ जाएगा, कोई ज़्यादा उसका यूज नहीं होगा। तो मैं दूसरा वीडियो भी लिंक दे रहा हूँ, ये आप देख लेना, ये भी देख लीजिए, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ छूटे ना। ये प्रोग्राम 9 तारीख मतलब मंडे से शुरू होकर के पूरा 2-3 दिन चलेगा, लेकिन डेट्स के लिए एग्जैक्टली आप लोग देख लीजिए, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस का डॉक्यूमेंट का था ये ऐसा। चलो मान लो मैं एक क्लिक करके देख लेता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी ने क्या किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड हो गया है डॉक्यूमेंट, इसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट था इसलिए ऐसा लिख करके आया। डॉक्यूमेंट आप अपने मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। लो भाई डाउनलोड हो गया, इसमें क्या दिया गया है, 9 से 17 जुलाई तक शुरू होगा, मुंबई विभागा साठी स्वतंत्र वेड़ा पत्तक तासकीय व सनेत्राय दिल्ली, मुंबई के लिए अलग चीज़ है, 9 जुलाई 17 जुलाई का ये चीज़ है। तो जितनी लिंक हैं मैं कहूँगा सब पे आप क्लिक करो, और ये सब जो सर्टिफिकेट्स हैं SC ST का, विमुक्त जमाती, ये सब OBC, इन सब चीज़ें आप लोग ले लीजिए, और आपके बाकी जो सर्टिफिकेट्स हैं दिव्यांग, प्रकल्पग्रस्त, आपत्तिग्रस्त, हाँ इन सब चीज़ों का गोवा के लिए। अच्छा गोवा में अगर आप हैं, बेलगांव से हैं, बिदर से हैं, तो आप क्या करेंगे, मराठी, हिंदी या अंग्रेजी, इन तीनों में ही आपके अनुभव के दाखिल, क्योंकि बीएड है ना तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ लगता ही है, ठीक है। बाकी और सब चीज़ें मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है कैसे है।
आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा रहेगा, देख लीजिए। जैसे कैसे कैसे शुरू होगा, पनवेल का दिया है यहाँ, औरंगाबाद का दिया है, ऐसा है। चेंबूर, धोबी, तालाब, पनवेल, ठाणे, पालघर, 9, 10, 11, 12, 13, 17 का भी है, लेकिन वो आगे के शेड्यूल मिलेगा, ऐसे आपको मिल जाएगा। आप जब डाउनलोड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। कितने विद्यार्थी हैं, गुलबर्गा, विदर्भ, लातूर, प्रथम 100, इनको मतलब आवर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया। पुणे, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद। तो मुंबई में क्या क्या है, चेंबूर है, धोबी तालाब है, पनवेल है, ठाणे है, पालघर है। पालघर में 136 विद्यार्थी हैं, पनवेल में 227 विद्यार्थी हैं, चेंबूर में 169 विद्यार्थी हैं, 169 है। तो इस तरीके 5 से लेकर के 17 तक 14 तक का पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप ये टाइम टेबल देख लीजिए, और मैं इन सब की लिंक भी ट्राई करूँगा कि वीडियो के डिटेल्स में दे दूँ, ताकि आपको कोई आपत्ति ना हो। और कैसे टाइमिंग का कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 सेकंड रुकिए। टाइम का आप इसमें जब नीचे जाएंगे ना, देख रहे हैं, सुबह 10:12 आप थोड़ा जल्दी सेंटर पहुँचिएगा, 9:30 तक मंडे को। 160 विद्यार्थी वो ट्राई कर रहे हैं, मतलब 2 घंटे में, मतलब एक विद्यार्थी पर कम से कम 2 मिनट देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर 12 से 2 एक लेंगे, फिर 2 से 4, फिर शाम 4 से 6 में कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, ठीक है। तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे इस वीडियो में अपना कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।